मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको कैसे शुरू किया, किसने शुरू किया। जब ढेर सारे एलिमेंट्स हो गए तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था वो किया गया था, दो ग्रुप में बांटा गया था, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन उसके बाद मेटलॉइड्स की भी डिस्कवरी हो गई तो वो क्लासिफिकेशन फेल हो गया। उसके बाद प्रॉपर वे में सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया डोबेराइनर ड्राइट्स का। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इन द ड्राइड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे एटॉमिक मास ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो थर्ड वाला एलिमेंट है इसके एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो सेकंड वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा, तो लिथियम आपका कितना है, 7। लिथियम आपका है 7, सोडियम है 23, पोटेशियम है 39। तो 39 प्लस 7 कितना हो गया, उसका हमने हाफ कर दिया, आंसर आ गया 23। 39 और 7 इज 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 इज 23। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आपका क्लासिफिकेशन आया वो आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब सेकंड की क्या ज़रूरत थी जब फर्स्ट को क्लासिफाई कर दिया, फर्स्ट वाले में सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई नहीं हो पाए बच्चों, सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बना पाए थे। ये 3 ट्राइड्स में से एक ये ट्राइड था, एक बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाला ट्राइड था और तीसरा ट्राइड था आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला। तो उसके आगे ये ऐसा क्लासिफाई नहीं कर पाए तो ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। इसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या करा, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसके बेस पर क्लासिफिकेशन को शुरू किया। इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करा और फिर बोला सा रे गा मा पा धा नी, और फिर जो सा आएगा है ना वो वाला सा वापस। यानी जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे 7th एलिमेंट्स रखेंगे तो जो 8th वाला आएगा वो फर्स्ट वाले से सिमिलर होगा, जो 9th वाला आएगा वो सेकंड वाले से सिमिलर होगा। लेकिन ये भी कैल्शियम के आगे क्लासिफिकेशन नहीं दे पाए इसलिए ये भी फेल हो गया। सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन दिया हमारे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के फॉर्म में, सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन मेंडलीव का था। उन्होंने क्या करा, पहले एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ये है आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब हम जब ऐसा बढ़ते हुए 1, 2, 3 ऐसे 4 बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो कुछ सर्टन रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट वाले से सिमिलर किसी की आएगी, सेकंड से सिमिलर कब करें होगा ये, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो उन्होंने इस हिसाब से अरेंज किया। फिर उसके बाद इन्होंने तो ऐसा जब अरेंज करा तो बहुत फ़ायदा हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्लासिफाई हो गए। तो अब आपको पढ़ना है एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या एडवांटेज है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, तो देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है, स्टडी जो है वो आसान हो गई, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट। पहले सारे एलिमेंट्स बिखरे हुए थे, ठीक है, अब क्या हो गए, अब सारे अरेंज हो गए। तो किसी एक ग्रुप के एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ लो, सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपको पता चल जाएगी। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, ये जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक और बड़ी खासियत थी। क्यों, क्योंकि जब ऐसे अरेंज कर रहे थे टेबल में मेंडलीव कि अच्छा एक वाला यहाँ रखा, दो वाला यहाँ रखा, तीन वाला यहाँ रखा, चार वाला यहाँ रखा, अब पाँच वाला एलिमेंट था ही नहीं उस समय तो ये जगह खाली छोड़ दी, फिर 6 वाले को रखा, फिर मान लो 7 वाला नहीं था फिर 8 वाले को रखा। तो ये जो ब्लैंक जगह मिली उससे जो नए बाद में साइंटिस्ट आए उनको पता चला कि अच्छा ये एलिमेंट होगा ज़रूर जो उस समय डिस्कवर नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी। तो यही पॉइंट लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसके बाद आपका तीसरा जो पॉइंट है रिसर्च में हेल्पफुल है,
रिसर्च में हेल्पफुल कैसे हो गया, ये रिसर्च में ऐसे हेल्पफुल हो गया कि जब आप एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ग्रुप में तो हमको दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड ही मिलती है, तो उसके बेस पर हम फिर आगे की डिस्कवरी करते हैं, तो ये रिसर्च में हेल्पफुल है। और कुछ जगह पर इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एटॉमिक मासेस में करेक्शन कर दिया गया कि जैसे 5 वाला है ये तो 4.9 था, तो उनको लगा अच्छा ये गलत है, अगर 4 के बाद आएगा तो ये 5 वाला होगा, या 6.9 है तो ये 7 हो सकता है, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रही हूँ कि करेक्शन किया गया एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स में। तो ये तो कुछ आपकी एडवांटेजेस थे। अब एडवांटेज होने के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं हर एक चीज़ के, वैसे ही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने हाइड्रोजन को दो जगह रख दिया, मतलब एक एल्कली मेटल्स के साथ भी रख दिया और हैलोजन्स के साथ भी रख दिया, जो गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि एक ही एलिमेंट को दो जगह हम नहीं रख सकते, तो इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं करी। उसके बाद एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कई जगह ऐसा हुआ कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग पोजीशन पे पहुंच गए और डिफरेंट वाले क्या हो गए, एक साथ आ गए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ। ये क्या है, ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके साथ किसको रख दिया गया, इनके साथ रख दिया गया सिल्वर और गोल्ड को, जबकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ रख दिया गया, जो कि गलत था। ठीक है, इसके साथ ही आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजिशन फिक्स नहीं करी गई, इनर्ट गैस को पोजिशन नहीं दी गई और डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में ये नहीं बता पाए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब मैं बस एक लाइन में इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर रही हूँ। हमने पढ़ी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, डोबराइडर ने करा, उसके बाद न्यूलैंड ने करा, उसके बाद मेंडलीफ ने कुछ सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन करा। मेंडलीफ ने मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया, जिससे उसकी स्टडी सिंपल हो गई, नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, रिसर्च को फेवर करता है ये। इसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स थे, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं करी, आइसोटोप्स की पोजीशन फिक्स नहीं थी, लैंथेनाइड एक्टिनाइड की पोजीशन नहीं थी और इनर्ट गैस की पोजीशन फिक्स नहीं थी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, बाय।